ईयर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। फ्रेंड्स, जब हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का रिव्यू कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो है दो मेडिकल कॉलेज जो है उसमें एडमिशन हुआ था 2020 बैच के लिए, लेकिन हो सकता है इस बार एक नए मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। तो उसी नए मेडिकल कॉलेज का बात करने वाले हैं जिसमें इस बार 2021 में भी एडमिशन होगा, मतलब इस कॉलेज को जो है परमिशन मिल चुका है। तो इस कॉलेज के बारे में पूरा रिव्यू जानेंगे। छत्तीसगढ़ के जो दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो आपका शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उनसे भी कंपेयर करके देखेंगे कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रह सकता है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेडिकल कॉलेज आज मैंने लिया है, जिसको इस बार परमिशन मिला है 2021 बैच के लिए, वो है आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको SBIMS के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये मेडिकल कॉलेज ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसकी हॉस्पिटल और कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो 2009 में ही हो गया था, लेकिन उसको परमिशन जो है MBBS के लिए इस बार मिला है। तो चलिए ओवरऑल सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। SBIMS श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है आपका स्टेबलाइज हुआ था, इसके अगर मिलनी हॉस्पिटल की बात करें कि 15 फरवरी 2009 को स्टेबलाइज हुआ था, मतलब कह सकते हैं भाई हॉस्पिटल तो पुराना है यहाँ का, तो पेशेंट्स को लेकर के या बाकी सारी चीजों को लेकर के आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है, राइट। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कहां पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में 2021 बैच के लिए परमिशन मिल चुका है कॉलेज को। कितने सीट्स के लिए मिला है परमिशन? तो 150 सीट्स के लिए है। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 150 MBBS की सीट्स के लिए इसको परमिशन मिला है। उस 150 MBBS सीट्स में मैंने पहले भी आपको बताया था, जो छत्तीसगढ़ में आपका जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे 64 सीट्स जो है गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है, राइट, और 64 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की सीट है और 15 सीट्स जो है आपका NRI कोटा की सीट्स है, राइट। NRI कोटा की सीट का फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होगा, वो अभी आपको बताएंगे। जो 64 सीट जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है, मतलब ये सीट सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही स्टूडेंट को मिलेगा, बाहर के स्टूडेंट को या दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ पे ये सीट्स नहीं मिलेगा। और ये 64 नेक्स्ट जो आपका मैनेजमेंट सीट्स है, ये अदर स्टेट्स के लिए है, यानी ओपन सीट्स है। किसी भी स्टेट के बच्चे अगर उनके मार्क्स अच्छे होंगे तो वो इन सीट्स में ले सकते हैं, NRI स्टूडेंट्स का आपको पता ही है। तो 15 सीट ये है NRI के लिए, राइट। अब देखिए, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स और गवर्नमेंट की सीट्स है, इन दोनों की फीस आपका सिमिलर है, बराबर फीस है। NRI की फीस आपका जो है डिफरेंट है, ओके। तो चलिए एक बार सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, और फीस स्ट्रक्चर को देखने से पहले इसके हॉस्पिटल की ही बात कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल यहाँ पे काफी अच्छा हॉस्पिटल है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 1050 बेड की हॉस्पिटल प्रेजेंट है, राइट, 1050 बेड की हॉस्पिटल प्रेजेंट है, पुरानी हॉस्पिटल कह सकते हैं। और हॉस्पिटल का एक और ब्रांच जो आपका कोरबा में है, जिसका 150 बेड का जो है एडिशनल ब्रांच है, इसका एडिशनल ब्रांच है 150 बेड का, और 1050 बेड का जो है आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है, राइट। काफी सही है, सारी फैसिलिटीज है हॉस्पिटल में यहाँ पर। तो अब इसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर देखिए, इनका फीस स्ट्रक्चर जो है लगभग सिमिलर है आपका श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। रायपुर में 6,156,000 था और श्री शंकराचार्य में 6,45,156 था, आई होप। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, 6,45,156 रुपीस, ये इसका ट्यूशन फीस है। अब कॉशन मनी की बात करते हैं, तो कॉशन मनी आपका 30,000 रुपीस है,
क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्ट फीस इसका आपका 1 लाख रुपीज है, ट्रांसपोर्ट और क्लिनिकल की जो फीस है 1 लाख रुपए है। स्टूडेंट वेलफेयर फीस जो है आपका, जिसमें स्पोर्ट्स और जिम के नाम पे फीस लेता है ये, तो ये आपका 30,000 रुपीज है। यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड की फीस आपको यहाँ पे लगेगा, यूनिफॉर्म आईडी एंड लाइब्रेरी कार्ड की फीस लगेगा, वो आपका 20,000 रुपीज है। एडमिशन फॉर्म फीस आपका 10,000 रुपीज है। हॉस्टल प्लस मेस आपका 2 लाख रुपए है। देखिए ये हॉस्टल प्लस मेस तो इंक्लूड है इसमें, 2 लाख रुपए आपको पर एनम लगेगा, लेकिन साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अलग से देना पड़ेगा, जो भी आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपए, 1,500 रुपए जो भी आएगा वो आपको अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे मिसलेनियस चार्ज 45,000 रुपीज। स्किल लैब फीस जो लैब वहां पर है बच्चों के लिए, उसकी लेबोरेटरी फीस जो है आपका, ये भी 45,000 रुपीज है। अब इस टोटल, इसको टोटल करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर में आपको 11 लाख, राइट, 11 लाख, 25,000 एंड 156 रुपीज, मतलब 11,25,156 रुपए ये इसका फीस इस बार के लिए है। मतलब इस बार के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा फुल्ली, क्योंकि इन्होंने अपने वेबसाइट में मेंशन करके रखा है। इनफैक्ट जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, इन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर दिया है 6,45,156, ये फीस स्ट्रक्चर आपका श्री शंकराचार्य का भी इतना ही फीस था 2020 बैच में, तो इसलिए शायद इन्होंने अभी इस फीस स्ट्रक्चर को मेंशन किया है। और हालांकि ये फीस स्ट्रक्चर इन्होंने लेटेस्ट बताया है अपने वेबसाइट में, अगर मैं कहूं तो ये इन्होंने नवंबर के महीने में, 8 नवंबर को इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला है कि ये फीस स्ट्रक्चर इस बार लगेगा। बट उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि ये जो सिर्फ इसमें से ट्यूशन फीस है, ये ट्यूशन फीस अंडर रिविजन है, तो हो सकता है इस ट्यूशन फीस में थोड़ा सा चेंज आए, तो ये 11 की जगह 12 भी हो सकता है आपका, 13 भी हो सकता है, तो वो देखने वाली बात होगी। इससे पहले मैंने शंकराचार्य इंस्टीट्यूट और आपका रायपुर इंस्टीट्यूट के बारे में भी जब रिव्यू किया था, तब भी मैंने बताया था कि हो सकता है फीस इस बार 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए के आसपास में बढ़ सकता है। तो वो आप लोग एडमिशन जब वहां पे फाइनली लेने के लिए सोचेंगे, तो उससे पहले एक बार जो रिवाइज फीस स्ट्रक्चर है उसको जरूर देखिएगा। हालांकि इसमें पहली बैच आ रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो फीस मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर, इन्होंने मेंशन किया है ट्यूशन फीस, बाकी फीस ये पूरी चीज सही है, ये चीजें एकदम सिमिलर रहने वाली है, ट्यूशन फीस में चेंजेस आ सकता है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एनआरआई कोटा की सीट्स अगर मैं बात करूं, एनआरआई कोटा में जो अगर एडमिशन लेगा कोई, तो उसमें 35,000 USD लगेगा, राइट, 35,000 USD आपको पे करना पड़ सकता है एनआरआई कोटा के लिए, राइट। अब इसमें सीधा सीधा जो है कट ऑफ की अगर बात करते हैं, तो कट ऑफ अगर मैं देखूं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट और रायपुर इंस्टीट्यूट को कंपेयर करके देखते हैं, सबसे अच्छा लोग अभी शंकराचार्य को मानते हैं और उसके बाद रायपुर इंस्टीट्यूट को रखते हैं, तो चूंकि कट ऑफ भी रायपुर का थोड़ा सा कम दिया था शंकराचार्य से, लेकिन ओवरऑल उसके हिसाब से कट ऑफ अगर कंपेयर करके बताएं, तो जहां पे शंकराचार्य रायपुर इंस्टीट्यूट में सीट मिलना बंद होगा, उसके बाद में श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझे, मतलब अगर शंकराचार्य का कट ऑफ मान लिए गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए 480 या 490 जाती है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसका 10 से 15 नंबर कम जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसमें सारे 400 से ऊपर वालों को चांसेस मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया आपको बताऊं, तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए कट ऑफ की अगर बात करें, तो मेरे हिसाब से आप 460 प्लस रखिए मार्क्स, राइट। और अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की सीट्स की अगर एक कट ऑफ का आइडिया दूं, तो आपके पास में लगभग 560-570 प्लस मार्क्स होना चाहिए, तो 560 मार्क्स आप यहां पे मान के चलिए कि इतना कट ऑफ इसका जा सकता है, क्योंकि
पहली बैच आएगी तो हो सकता है कुछ बच्चों को डर होगा, लेकिन जैसा कि मेरे पास में रिव्यू है, कुछ बच्चों ने इस कॉलेज को विजिट भी किया था, उन्होंने भी मुझे रिव्यू दिया है, तो काफी अच्छा है। और उन्होंने कहा है कि इसका हॉस्पिटल भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, और इनफैक्ट हॉस्टल भी काफी सही है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगी, क्योंकि तीन ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपका छत्तीसगढ़ में है। तो काफी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स के लिए लेना चाहेंगे, मतलब जो छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है, वो डेफिनेटली अगर उसको रायपुर नहीं मिलेगा तो वो इस गवर्नमेंट कोटा की सीट्स को यहां से आपका श्री बालाजी से ले लेगा, अगर रायपुर नहीं मिलता है तो। लेकिन वहीं पे मैं अगर बात करूं दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा फीस से प्रॉब्लम आए, क्योंकि अभी फीस अंडर रिविजन है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो हो सकता है बच्चे वहां पे नहीं पहुंचे, तो फिर भी उसकी कट ऑफ 550 से ऊपर ही जाने वाली है, इससे नीचे मैं उम्मीद नहीं करता हूं। राइट, तो मैंने अब तक आपको टोटल क्या बता दिया कि 2009 में ये इस मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इनफैक्ट इसकी हॉस्पिटल 2009 को बनी थी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 2021 बैच के लिए पहली बार परमिशन मिला है इस कॉलेज को, और काफी बढ़िया और खूबसूरत मेडिकल कॉलेज है। राइट, 150 एमबीबीएस सीट्स के लिए परमिटेड है, और 1050 बेड के हॉस्पिटल प्रेजेंट है। फर्स्ट ईयर की फीस अगर मैं एक एवरेज बताऊं तो 11,25,156 रुपए, 11,25,156 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। राइट, अब एनआरआई की फीस के लिए, सीट्स के लिए आपको 35,000 USD पे करना पड़ेगा। और अगर एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एडमिशन प्रोसेस इसका आपको पता ही है, सीजीडीएमई की वेबसाइट पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और आपको पता ही है काउंसलिंग थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप लोगों को कॉलेज पहुंचने की जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, जो है काफी ज्यादा है, आप लोग बहुत जल्दी कॉलेज पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के पास में टाइम है, तो इन कॉलेजों का रिव्यू अपने पास में रखिए, ताकि आप जब काउंसलिंग स्टार्ट हो, जिस भी स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक बेटर डिसीजन ले सके। यूपी की फीस स्ट्रक्चर आ गई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी ज्यादातर मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आ गया है, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का मैंने आपको रिव्यू एक बता ही दिया कि इतना फीस स्ट्रक्चर रह सकता है, ये एक नया मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ के बारे में भी सोच सकते हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट, कब, जब उनके मार्क्स लगभग 550 से ऊपर हो, अदरवाइज आप दूसरे स्टेट में भी काउंसलिंग करा सकते हैं, और आप लोगों को कॉलेज को फुल्ली कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल रिव्यू ऑफ श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SBIMS, एंड द काउंसलिंग प्रोसेस वुड बी अंडर CGDME वेबसाइट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।